हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल लवर। होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि फाउंडेशन कैसे लगाएं और आपका फाउंडेशन कभी केकी नहीं होगा, क्रीज नहीं पड़ेंगे एंड ड्राई पैचेस नहीं होंगे और आपका फाउंडेशन बहुत ही फ्लॉलेस होगा। उसके लिए बस मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करना है और उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो पहले सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लेना है फाउंडेशन के लिए, ताकि आपका फेस फाउंडेशन लगाने के बाद डैमेज ना हो। एंड हाँ, आपसे बोलूँगी अगर फाउंडेशन आप रेगुलर यूज़ ना करें, अगर आपको कभी वैसा ज़रूरत हो तो ही यूज़ करें, अदरवाइज आप बीबी क्रीम भी सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको अपने फेस पे कोई भी हेयर नहीं रखने हैं। मेरे फेस पे बाय बर्थ कोई हेयर नहीं है, बट जिनके फेस पे हेयर है वो अपने फेशियल हेयर रिमूव कर ले। फेशियल हेयर के लिए मेरे आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उसे आप चेकआउट कर लें। एंड आप उसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फेस को पहले टोनर अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ टोनर के लिए गुड वाइब का रोज़ टोनर लिया हुआ है, इसे अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। तो मैं अपने पूरे फेस पे टोनर लगा ली हूँ और इसे सूखने दूँगी जब तक ये अच्छे तरीके से सूख जाए, 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इस पे सीरम यूज़ करूँगी। सीरम गुड वाइब का रोज़ सीरम यूज़ किया है, ली हूँ। इसे मैंने पर्पल से परचेज किया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और इसे मैं अपने 2-3 ड्रॉप पूरे फेस पे लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। और आपके फेस पे अगर डार्क स्पॉट वगैरह है तो आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। कलर करेक्टर के लिए आपको और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको बस हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना और इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपको आपका फेवरेट जो भी मॉइस्चराइजर हो उसे यूज कर लें। तो मैंने यहाँ अपने पूरे फेस पे सीरम लगा लिया है, आप देख सकते हैं सीरम लगाने के बाद मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, काफ़ी अच्छा। ये भी सीरम है, आप चाहें तो ये सीरम परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा भी सीरम ले सकते हैं। और यहाँ मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने गुड वाइब का रोज़ मॉइस्चराइजर लिया है। सारे मैं प्रोडक्ट रोज़ के ही यूज़ करती हूँ, बट आप जैसा चाहें आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये सब प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो मैं इसे थोड़ा वॉर्म कर लूँगी, उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। बिना मॉइस्चराइजर का आप फाउंडेशन कभी नहीं लगा, नहीं तो आपके फेस पे ड्राई पैचेस पड़ जाएंगे एंड आपका फेस। एंड मैंने सीरम के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। और यहाँ मैं अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर लगा ली हूँ, अब मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। सनस्क्रीन के लिए मैंने लैक्मे सन्स एक्सपर्ट SPF 50। तो मैं यहाँ सासा सनस्क्रीन ले लूँगी और इसे अपने फेस पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ये सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद मेरा स्किन कितना मैट फिनिशिंग लुक दे रहा है और ये नॉन स्टिकी है, देख सकते हैं आप फेस पे मेरा कुछ स्टिकी सा नहीं दिख रहा है। तो मैं अब यहाँ पहले करूँगी क्या, अब मैं फाउंडेशन के पहले एलोवेरा जेल लगाऊँगी अपने फेस पे एज ए प्राइमर, और ये मेरे पोर को ब्लर आउट कर देगा और मेरे फाउंडेशन को फ्लॉलेस दिखाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अपने पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ और मैं अब
फाउंडेशन लेती हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने लैक्मी का फाउंडेशन लिया हुआ है, ये 150 के आसपास मिल जाता है, बट आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं अक्सर मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, बट आजकल मैं काउंटर पे नहीं जा रही हूँ, सो मैं नहीं परचेज कर रही हूँ ऑनलाइन। मुझे फाउंडेशन नहीं अच्छे मिल पाते हैं मेबलिन के, तो मैं ज़्यादा पैसा वेस्ट करूं और मेरे अकॉर्डिंग फाउंडेशन भी नहीं आया तो पैसा वेस्ट चला जाएगा। वो 500 का आता है, तो मैं आप सभी को यही यूज़ करके दिखा रही हूं। जैसे काउंटर खुलता है वैसे मैं आप सभी को मेबलिन का भी फाउंडेशन यूज़ करके बताऊंगी। तो आप अगर फाउंडेशन अपने लिए लेना चाहते हैं तो मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लें, अपने अकॉर्डिंग आप अपना काउंटर से जाके कलर ले सकते हैं। मेबलिन में 299 का एक छोटा सा पाउच भी आता है, सेसे जिसको बोलते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। वो अपने फेस पे आप बिगनर हैं यूज़ करके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके। और ये मैं टिप्स जो बताऊंगी, ये आप अगर ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक कटोरी लेनी है, यहाँ मैं कटोरी ले लूँगी और इस कटोरी में पानी है, और यहाँ मैं एक सूखा स्पंज ले लूँगी और इसमें डिप करूँगी अच्छे तरीके से। एक मिनट के लिए मैं इसे डिप करके छोड़ दूँगी एंड उसके बाद मैं लूँगी फाउंडेशन। और यहाँ मैंने अपने अकॉर्डिंग फाउंडेशन निकाल लिया जितना मुझे यूज है, और इसे अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। मैं अपने आधे फेस पे आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, और यहाँ मैं इस कटोरी से अपना स्पंज को बाहर निकालती हूँ और इसके टोटल पानी को स्क्वीज कर लूँगी। और इसे अपने फेस पे लगाऊंगी, और ऐसे कभी नहीं यूज़ करें, जब भी यूज़ करें तो टैप करके यूज़ करें, डैबिंग मोशन में यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं मेरे फाउंडेशन लगाने के बाद मेरा फेस किस तरह का चेंजिंग आया है। और पानी इसमें का पूरे अच्छे तरीके से स्क्वीज कर लें, बट अदरवाइज आपके फेस पे जितने फाउंडेशन होंगे सारे स्पंज में चले जाएंगे। तो यहाँ मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, ना इसे फास्ट किया है, आपको जो भी रियल है वही मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। और यहाँ मैं अपने आईज को भी कवर करूंगी, अंडर आईज को, डार्क सर्कल को। तो आप देख सकते हैं मेरे इस हाफ फेस में एंड मेरे इस हाफ फेस में फाउंडेशन का अंतर, और मेरा फाउंडेशन कितना फ्लॉलेस दिख रहा है। और इसे मैं इसे अपने नेक पे भी अप्लाई करके आप सभी के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो आप मेरे दोनों फेस में अंतर देख सकते हैं, और इसी से मैंने अपने डार्क सर्कल को भी छुपा लिया। आप देख सकते हैं मुझे कितने डार्क सर्कल के प्रॉब्लम है। और आप अगर फुल कवरेज मेकअप लुक चाहते हैं तो इसके डबल लेयर दो बार आप अपने फेस पे फाउंडेशन लगाएं, अगर आप मीडियम कवरेज मेकअप लुक चाहते हैं तो एक बार लगाएं, इसी से आपका फेस काफ़ी अच्छे तक।
तो यहाँ मैं फाउंडेशन लगा ली हूँ। आप फाउंडेशन लगाने के बाद मेरे फेस का अंतर देख सकते हैं। मैं यहाँ लाइट कवरेज लगाई हूँ, बट आप फुल कवरेज चाहते हैं उसके लिए मैं भी दो बार आप यूज़ कर लें। और यहाँ आप एक अच्छा कॉम्पैक्ट जो आप लगाना चाहते हैं उसे अपने पूरे फेस पे लगा लें। और यहाँ मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया है ताकि मेरे वीडियो में फ़ैन की आवाज़ ना आए। और आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रही हूँ उसके बाद भी मेरे फेस पे कोई पसीना नहीं है। और यहाँ आप कॉम्पैक्ट लगाने के बाद मेरे फेस को देख सकते हैं, कोई भी ड्राई पैचेस नहीं पड़े हैं और मेरा फाउंडेशन काफ़ी फ्लॉलेस दिख रहा है। अब मैं इसका फाइनल लुक आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। थैंक्स, एंड मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ, आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी के क्वेश्चन का रिप्लाई कर देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। एंड मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।